हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती स्पर्धा 4 से 6 मार्च तक करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में ये 39वीं लड़कों की और 22वीं लड़कियों की जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है। इस स्पर्धा में पूरे भारत से करीब 1000 नामी पहलवान हिस्सा लेंगे। ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा और ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील व योगेश्वर दत्त भी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती स्पर्धा आज से 6 मार्च तक करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में ये 39वीं लड़कों की व 22वीं लड़कियों की जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है। इस स्पर्धा में पूरे भारत से करीब 1000 नामी पहलवान भाग लेंगे। ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा और ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील व योगेश्वर दत्त भी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने आयोजन संबंधी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। हिमाचल प्रदेश में पहली मर्तबा ये हो रहा है कि राष्ट्र स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जिला मंडी के पड्डल मैदान में हो रहा है। यह प्रतियोगिता 4 मार्च से 6 मार्च 2020 को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंडी में करवाई जा रही है, जिसमें पूरे देश भर के 1000 खिलाड़ियों के साथ साथ 200 ऑफिशियल कोचिज और भारतीय कुश्ती संघ के जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर शिरकत करेंगे। लगभग एक्सपेक्टेशन 50,000 जो हमारे कुश्ती को पसंद करने वाले लोग हैं, स्पेक्टेटर्स का हमने लगा रखा है। तो सभी हिमाचल वासियों को मैं इस सबसे पहले तो इस प्रतियोगिता में आने का निमंत्रण देता हूं। यह प्रतियोगिता 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। श्री गोविंद ठाकुर जी खेल मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार इसमें विशेष अतिथि रहेंगे। श्री राकेश जम्बाल जी विधायक जो कि हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ के माननीय चेयरमैन हैं, हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ के आदरणीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन शर्मा विशेष रूप से इस कुश्ती प्रतियोगिता में जो मौजूद रहेंगे, भारतीय कुश्ती संघ के माननीय अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी इस कुश्ती प्रतियोगिता की लगातार देखरेख में यहां पर मौजूद रहेंगे। यहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है कुश्ती का, इसमें पूरे देश भर के सभी राज्यों के 30-30 खिलाड़ी इसमें अपनी प्रतिभागिता निभाएंगे, जिसमें 10 खिलाड़ी हर राज्य के ग्रीको रोमन में, 10 खिलाड़ी हर राज्य के फ्री स्टाइल में, 10 महिला खिलाड़ी हर राज्य से जो है कुश्ती प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्गों में 30 भार वर्गों में अपने अपनी प्रतिभागिता निभाएंगे। यहां से जीतने वाले खिलाड़ी एशियन जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में और विश्व स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में चयनित होकर के हिमाचल प्रदेश की इस धरती से जो है खिलाड़ी अपने जो है चयन करवा करके इसी मंडी से जाएंगे। किसी राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश में जो है कुश्ती का हो रहा है, तो जिला मंडी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पूरे देश के जितने भी टॉप के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टार खिलाड़ी अपने अपने राज्यों से चयनित होकर आएंगे, तो जिला मंडी में ये सारे जो हैं जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता जो है राष्ट्र स्तरीय हो रही है, जिसमें 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो युवा पहलवान हैं वो इसमें अपनी प्रतिभागिता निभाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।